नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मर स्टाल कब की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल में आ रही सबसे बड़ी समस्या, मिर्च की पत्तियों का पेला पड़ जाना, नई फुटेर ना निकल पाना, या हमारा जो मिर्च है वो अच्छे तरीके से ना तैयार हो पाना और उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी गिर जाना। इन्हीं सब बातों के बारे में किसान भाइयों, इनके उपचार के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई कृषि संबंधित जानकारी आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों, मई जून जुलाई के दौरान काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो इसी समय किसान भाइयों ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से फसलों में काफ़ी सारी समस्याएं देखी जाती हैं। उसी प्रकार किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एक मौजूदा समस्या चल रही है कि पत्तियों का पेला पड़ जाना, पौधे का पेला पड़ जाना, नई ग्रोथ नहीं हो पाना, नई फुटेर नहीं निकल पाना और मिर्च अच्छी तरीके से प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी ना बन पाना या मिर्च का अच्छी तरीके से ना बन पाना। ये सभी कारण किसान भाइयों काफ़ी समस्या आ रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, खेतों में काफ़ी बड़ी समस्याएं चल रही हैं। हम आप काफ़ी सर्वे के दौरान हम किसानों से मिले हैं, ये काफ़ी बड़ी समस्याएं आज के मौसम में देखी जा रही हैं, आजकल काफ़ी देखी जा रही हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये समस्या हो, तो किसान भाई इस समस्या के उपचार के लिए आप अपना सकते हैं और अच्छे सबसे उपचार हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। किसान भाइयों ये सभी जो लक्षण में आप देख रहे हैं, इन सभी लक्षणों का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी। पोषक तत्वों की कमी के कारण किसान भाइयों ये सभी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि पत्तियों का पेला पड़ जाना है, जैसे कि आप छींट छींटा देख रहे हैं, या पौधे की ग्रोथ रुक जाना, या नई फुटेर का ना निकल पाना, या जो हमारा फल बन रहा है वो अच्छे से मैच्योर ना हो पाना, उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी डाउन हो जाना, ये सभी लक्षण किसान भाइयों एक पोषक तत्वों की वजह से देखे जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है या वो नहीं है। आपने देखा होगा कि हम रोगों का उपचार करते हैं लेकिन फिर भी हमारी ये समस्या दूर नहीं हो पाती है। किसान भाई, इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है पोषक तत्वों की कमी। अब बात करते हैं किसान भाई, इन पोषक तत्वों को हम पौधे को कैसे दें और इस पौधे को हम कैसे सुधार सकते हैं। किसान भाई, इन पौधों को पोषक तत्व हम दे सकते हैं स्प्रे के द्वारा, फोलियर स्प्रे के द्वारा हम इन पोषक तत्वों को मिर्च को दे सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों हमें चार मुख्य पोषक तत्वों को उपचार के रूप में अपनाना होगा। सर्वप्रथम जो हमें लेना है वह लेना है 13-40-13, 1 kg लेना है, जिसमें मौजूद किसान भाइयों आते हैं एक मेजर पोषक तत्व है 13% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस प्लस 13% पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक ये पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्व है। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों हमें लेना है 500 ग्राम लेना है कैल्बी, जिसमें कैल्शियम प्लस बोरान मिक्स साल्ट, दो साल्ट आते हैं, ये भी एक मेजर पोषक तत्व है। इन दोनों का जो काम है किसान भाइयों, हमारी पौधे को ताकत देने का काम है करेंगे और इनकी स्प्रे से किसान भाई ये पौधे में जड़ तक काम करेंगे, जिससे हमारा पौधा एक नई ऊर्जा प्राप्त करेगा और नई तरीके से जल्दी ग्रोथ करेगा। क्योंकि किसान भाइयों मिर्च की तोड़ करने के दौरान हमारे पौधे में काफ़ी कमजोरी देखी जाती है, लगातार उससे हम तोड़ लेते हैं तो हमारे पौधे में काफ़ी कमजोरी देखी जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता है और वो अचानक हमारा खेत डाउन बैठने लगता है, पौधा कमजोर होने लगता है, जिससे हमारी उसकी नई फुटेर नहीं निकल पाती। इन दोनों का जो काम है किसान भाई, एक पौधे को पुनः जीवित कर जल्दी से ताकत देने का काम करेगा, जड़ों को मजबूत करेगा, जिससे हमारा पौधा ज़मीन से अच्छी खुराक लेगा। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों हमें लेना है मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है, जिसमें मौजूद पोषक तत्व काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि जिंक, फेरस, सल्फर, कॉपर, आयरन, बोरॉन और भी काफ़ी सारे तत्व हैं किसान भाई, जो पौधे की एक ग्रोथ के लिए, ताकत के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाई, अब काम करें तो इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है किसान भाई, आपके पत्ते जो पीली पड़ चुकी है न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, पत्तियों को सुरख हरी करेगा, प्राकृतिक जो कलर है उसका वो बनाएगा, जिससे किसान भाई हमारा पौधा प्राकृतिक से भोजन अच्छा लेगा, प्रकाश संश्लेषण उसका अच्छा लेगा, अच्छे से भोजन लेगा, जिससे हमारा पौधा अच्छे से नई जान जल्दी से डलेगी और पौधा हमारा जो भी फल है उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को काफ़ी अच्छी करेगा और शाइनिंग लेकर आएगा। हमारे पौधा या फल जो भी तैयार हो चुका है पौधे पर अच्छे से साइन लेकर आएगा। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों हमें लेना है गोदरेज कंपनी का आता है डबल, जिसमें टेक्निकल साल्ट के रूप में आता है प्रेसनोलाइट। किसान भाई, इसका जो काम है वो हमारी पौधे को जल्दी से नई फुटेर निकालने का काम करेगा, प्लस साथ में हमारे जो फल है उसको जल्दी से तैयार करेगा और जो मिर्च का साइज है उसे बड़ा करेगा और हमारी मिर्च पर जल्दी से ज़्यादा साइन लेकर आएगा। इन चार चीज़ों को किसान भाइयों हमको मिलाकर लगाना है, 1 kg 13-40-13 प्लस 500 ग्राम कैल्शियम प्लस बोरॉन साल्ट, 250 ग्राम चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस साथ में हमें लगाना है 100 ml
गोदरेज कंपनी का डबल। इन चार चीजों को क्लच कान भाइयों मिलाकर 150 से 180 लीटर पानी में आपको एक एकड़ में स्प्रे करनी है। आपको इनके 3 से 5 दिनों के अंदर किसान भाइयों आपको इनके रिजल्ट नजर आ जाएंगे और आपका फल पहले की तरह पौधा फल देना चालू करेगा, नई फुटेर निकालेगा और फल जल्दी से तैयार होगा और हमारी पत्तियां जो हैं वो प्राकृतिक रूप लेंगी और ग्रीननेस उस पर नजर आएगी। किसान भाइयों जो मैंने आपको जानकारी बताई है, इस जानकारी को आपको कोई नहीं बताने का ही है, मैंने आपको बिल्कुल सटीक और एक अनुभवी के तौर पर आपको बताई है, इस्तेमाल करे हुए बताई है, किसानों के अभाव के अनुसार मैंने आपको बताई है, तो इनको आप जरूर अपनाना है। और आपकी ये ज़्यादा समस्या अगर बड़ी हो तो आपको इसको पुनः 15 दिन के अंतराल पर आपको दोबारा स्प्रे करनी, इससे आपको और भी बेहतर और एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाई इनको आप वैसे भी अपना सकते हैं, यदि आपकी आपके फसल में कम मात्रा में फल वृद्धि देखी गई है तो आप इसको फिर भी अपना सकते हैं, उसमें भी आपको एक अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाई मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों पर हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसके उपचार के बारे में पहले वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो किसान भाई उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की जानकारी जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।